प्रेरणा कथा संघर्ष। एक कुमार के आंगन में मिट्टी और एक मटका साथ साथ रखे हुए थे। तभी मिट्टी ने मटके से कहा, मैं मिट्टी हूं और तुम मिट्टी के ही बने हो, परंतु मैं पानी में बह जाती हूं और तुम पानी को अपने में रख लेते हो। पानी तुमको ना तो बहा सकता है और ना ही तुमको गला पाता है। मैं नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों है। मटके ने हंसते हुए जवाब दिया, ये बात बिल्कुल सच है, तू मिट्टी है और मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूं, परंतु मैं बहुत संघर्ष से गुजरा हूं। मुझे मिट्टी के रूप में पानी में भिगोकर रखा गया था, पैरों से गूंथा गया था और फिर कुम्हार ने चाक पर रखकर मुझे खूब घुमाया था और मुझे पीट पीट कर आकार दिया था। बाद में मुझे आग में डालकर तपाया गया था। इतने संघर्ष का सामना करके मैं पानी को अपने में रखने के काबिल बना। इसी तरह एक मंदिर की सीढ़ियों पर लगाए गए एक पत्थर ने एक दिन मंदिर में रखी पत्थर की मूर्ति से पूछा, मैं भी पत्थर हूं और तू भी पत्थर है, मैं रास्ते में लगाया गया हूं और तुमको ऊपर रखा गया है। लोग मुझे पैरों के नीचे रौंद कर चलते हैं, पर तुम्हारे सामने लोग अपना सर झुकाते हैं और तुम्हारी पूजा करते हैं, ऐसा क्यों है? पत्थर की मूर्ति ने मुस्कुराकर रास्ते पर लगे हुए पत्थर से कहा, तुम मेरे संघर्ष के बारे में नहीं जानते। मुझे छैनियों से कितनी ही बार काटा गया और कितनी ही बार हथौड़ों से पीटा गया, जगह जगह से मुझे घिसा गया, परंतु मैं पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। फिर कहीं मैं मूर्ति बना और यहां रखा गया। मैं संघर्षों की भट्टी में तपकर यहां तक पहुंचा हूं। संघर्षों की भट्टी में तपकर ही जीवन स्वर्ण बनता है। मित्रों, सभी इंसान जीवन में एक जैसे ही जन्म लेते हैं, उनमें कुछ भी विलक्षण नहीं होता है, परंतु कुछ इंसान जीवन में मिट्टी या पत्थर की तरह कुछ नहीं करते हैं और अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं, परंतु कुछ लोग संघर्ष करते हैं और मटकों और मूर्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात सफल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।